इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है, यानी स्वयं का मूल्यांकन करते रहना है। प्रतिदिन शाम को जब सोने लगे तो पूरे दिन का पुनर्मूल्यांकन करें कि आज जो हमारे 16-18 घंटे बीत चुके हैं इसमें हमने कोई उपलब्धि प्राप्त की या नहीं। और अगर आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे आपने अपना नॉलेज डेवलप किया होगा, कोई एक्टिविटी की होगी, कुछ ना कुछ फीलिंग बेस्ड ज़रूर किया होगा, तो बस जो अच्छा है उसमें से उसको स्टोर कर लें और अगले दिन प्रयास करें कि जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ें, तो निश्चित ही हम दिन प्रतिदिन अपने आप में, चाहे हमारा व्यक्तित्व है, चाहे हमारा ज्ञान है, चाहे हमारी क्रियाएं हैं, बेहतर करते जाएंगे। और जब रोज़ाना हम बेहतर करेंगे तो एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बन चुके होंगे। अब मैं बीएड विभागाध्यक्ष सुशील सर से आग्रह करूंगा कि वह बीएड की कुछ तकनीकी और समीचीन बातों की चर्चा आपसे करें जो इस इंडक्शन पाठ्यक्रम में ज़रूरी है, और उसके साथ धन्यवाद भी ज्ञापित करें। सुशील सर। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित पूर्व कुलपति महोदय भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा आवश्यक कार्य से अभी अभी हमारे बीच से गए हुए पूर्व छात्र कल्याण अध्यक्ष भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय जिन्हें कुछ आवश्यक कार्य था और वो भी अभी निकल गए हैं किसी अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर इंचार्ज सर, विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर सुशोभित रह चुके और टीबी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष सुधांशु शेखर सर, बीएड और एमएड विभाग के सम्मानित शिक्षक एमएड विभागाध्यक्ष महोदय, आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है, विभाग की गरिमा को बढ़ाया है। मैं इसके लिए आप सभी का साधुवाद करता हूँ और आप सभी से एक आशीष वचन की उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इस तरीके का विभाग कार्यक्रम जब भी करता है तो आपका आशीष वचन, आपका आशीर्वाद हमें यूं ही प्राप्त होता रहेगा। प्यारे साथियों, मैंने सुबह आप लोगों से दो मिनट जब बात की तो मैंने एक बात कही कि आप यहां बीएड करने के लिए आए तो उसमें दो विकल्प आपके पास थे। पहला था वाई चॉइस कि हम अपनी मर्जी से आए, और दूसरा था बाई चांस कि हम मर्जी से नहीं आए, हमारे घर वालों ने हमको जोर जबरदस्ती कहा कि नहीं बीएड कर लो, मास्टर तो बन ही जाओगे। जो ये बाई चांस है, अब समय आ गया है कि हम अपने उस बाई चांस वर्ड को बाई चॉइस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि आपने प्रवेश ले लिया है तो अब आप 2 साल तक इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे। और जब करना ही है तो बेमन से क्यों, मन से कर लें, क्योंकि ये 2 साल जो आपके इस कार्यक्रम के हैं, इस प्रोग्राम के हैं, जो बीएड की डिग्री आपको मिलेगी उसके ये जो 2 साल हैं वो ऐसे हैं कि जीवन में कभी आपको दोबारा ये लौटकर नहीं मिलेंगे। तो हम अपने विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो बेहतर तरीके से
शिक्षा अर्जन करेंगे, कौशलों का विकास करेंगे और समाज उपयोगी कार्यों में अपनी एनर्जी का सदुपयोग करेंगे। जैसा अभी हमारे सम्मानित वक्ताओं ने बताया और सर ने कहा कि हमारे यूपी में चले जाइए, क्योंकि मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और एक बीएड कॉलेज के मैनेजर से आज मेरी सुबह ही बात हो रही थी और जो सर ने कहा लगभग लगभग हूबहू वही वार्तालाप रहा। एडमिशन की स्थिति को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई और मुझे ये कहते हुए खुशी व्यक्त हो रही है कि वर्तमान कुलपति महोदय के निर्देशानुसार या उनके कुशल नेतृत्व में शिक्षा शास्त्र विभाग ही नहीं बल्कि पूरा विश्वविद्यालय, छात्र, शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी सभी में एक नई ऊर्जा आई है और सभी एक नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां एक जब भी मैं किसी कार्यक्रम में गया विश्वविद्यालय के, तो मैंने बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं से ये सुना, प्रोफेसर से ये सुना, डीन फैकल्टीज से ये सुना कि पढ़ाएं किसको, बच्चे नहीं आते हैं। लेकिन मैंने इस चीज को देखा कि आज एक शॉर्ट नोटिस पे मेरी क्लास में आज भी लगभग 60 से 70 बच्चा बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र विभाग के लिए, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के लिए और मैं तो कहूंगा कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सकारात्मक पहल है कि हो सकता है कि कल हम न पढ़ने आते हों, हो सकता है कल तक हम पढ़ाने न आते हों, लेकिन कम से कम हम शुभारंभ आज से ही कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहूंगा अपने सम्मानित मंच को कि बीएड की ये कक्षाएं निरंतर चल रही हैं और इन क्लासों में भीड़ इसी तरीके से हमेशा आपको मिलती रहेगी। आप जब चाहें औचक निरीक्षण कर लीजिए। ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब मैंने यहां 2022 में ज्वाइन किया विभागाध्यक्ष के पद पर, तो जैसा अभी सर ने कहा कि इन्वर्टर की फैसिलिटी, जनरेटर की फैसिलिटी नहीं है, अभी भी हमारे साथ बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर इंचार्ज सर इसके लिए लगे हुए हैं और थोड़ी सी सफलता हमें मिली भी कि हम एक लंबे अरसे के बाद में एक मैनेजमेंट कमेटी की बैठक करा पाए और उसमें कुछ निर्णय ऐसे हुए जो एक लंबे समय से पेंडिंग में पड़े हुए थे और हम पुनः प्रयासरत हैं, सर भी प्रयासरत हैं कि अगली मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हम विद्यार्थियों की सुविधा से संबंधित जो इस तरीके के मुद्दे हैं वो माननीय कुलपति जी के सामने रखें और उन पर जल्दी से निराकरण की उम्मीद करें। बीएड प्रोग्राम में जब फर्स्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको लगभग 14 फाइल्स बनानी होती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फाइल है माइक्रो टीचिंग फाइल। और ये माइक्रो टीचिंग फाइल जो है सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण दक्षता का मूल मंत्र। अगर आप परफेक्ट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ 8 से 10 टीचिंग स्किल्स पढ़ाए जाते हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, आप उनको करिए। और इससे पूर्व के छात्रों ने किया और मुझे ये कैसे हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले साल की जो वैकेंसी हुई उसमें शिक्षा शास्त्र विभाग के लगभग 50 से 60 स्टूडेंट्स का चयन बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में हुआ। ये विभाग के लिए और विश्वविद्यालय के लिए, अभी जब नैक की मीटिंग होती है विश्वविद्यालय में और मैं भी जाता हूं, हमारे साथी एमएड विभागाध्यक्ष महोदय भी जाते हैं और वहां जब सवाल ये आता है कि आपका अचीवमेंट क्या है,
तो मुझे फक्र के साथ ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि टीआरई फर्स्ट और सेकंड में मेरे डिपार्टमेंट के 60 के करीब बच्चों ने जो है सफलता अर्जित की है। ये मेरी उपलब्धि है। टीचर्स की क्वालिटी की अगर बात करें तो कल ही मैंने डेटा अपना भेजा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के टीचर्स ने पिछले 3 सालों के अंदर रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, इंडक्शन प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्स लगभग 24 से 25 प्रोग्राम्स को उन्होंने किया है और सर्टिफिकेट नेक को सबमिट किया है। यहाँ क्लासेस का शेड्यूल, आज आपका इंडक्शन कार्यक्रम चल रहा है और कल आपको क्लास शेड्यूल मिल गया होगा आपको व्हाट्सएप नंबर पर जो आपका ग्रुप बना है। और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि शायद विश्वविद्यालय का ये पहला डिपार्टमेंट है जिसमें बीएड की क्लासेस इस सत्र की आज से स्टार्ट हैं। शायद किसी दूसरे विभाग में या दूसरे कॉलेज में आज पहली बार इस सत्र की कक्षाएं स्टार्ट नहीं हुई हैं। हम अपने आप को अपडेट करें, पहले हम अपनी गलतियां सुधारें, हम उसके बाद में उम्मीद करेंगे कि हमारा सामने जो बैठा हुआ छात्र है, हमारा जो भी सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी गलतियां सुधारे। अनुसरण की एक विधा है, शिक्षक जैसा होगा उसका छात्र वैसा ही बनेगा। जो आपके यहाँ शिक्षक हैं उनकी सभी की क्वालिटी बेहतर है, सभी अच्छी योग्यताओं को धारण किए हुए हैं। जो विभागीय क्रियाकलाप हैं उन सभी क्रियाकलापों में आपकी भागीदारी ज़रूरी है। जो फाइल वर्क यहाँ होता है मुझे लगता है कि उसका एक संरक्षित रिकॉर्ड स्टोर रूम में प्रॉपर रखा जा रहा है, जिसको समय समय पर बहुत सारे लोग आकर के चेक भी करते हैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कि क्या शिक्षा शास्त्र विभाग वास्तव में कुछ अच्छा कर पा रहा है या नहीं। हम आशा करते हैं कि हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे और उस सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते हुए एक नए भारत का निर्माण करने के लिए एक नई पीढ़ी का सृजन करने में सफल होंगे। चूंकि आज पहला दिन है, दूर दराज से आप लोग आए हुए होंगे और लंच भी नहीं हो पाया होगा, इसलिए घर जाने की भी दिक्कत रही होगी। इन सभी चीज़ों के बाद भी आप सभी लोगों ने हमारे सम्मानित मंच को सुना, हमको सुना और एक शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग विभाग में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। बाकी अन्य जो भी क्रियाकलाप हैं, विभागीय गतिविधियां हैं, नॉर्म्स हैं, जैसे आज आप लोगों को एक परिचय पत्र के लिए एक फॉर्म मिला होगा, लाइब्रेरी कार्ड के लिए आपको एक फॉर्म मिला होगा, इसी तरह से कुछ अन्य फॉर्म भी अभी आपको और भरने होंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण फॉर्म है एंटी रैगिंग फॉर्म। एंटी रैगिंग फॉर्म आपको भरना है, उसका लिंक आपको 1 से 2 दिन में दे दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों के साइकोलॉजिकल टेस्ट समय समय पर होते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर। अभी हमारे बीच एक एमएड स्टूडेंट उपस्थित हैं जो इस समय आईसीटी पर अपना रिसर्च करना चाह रहे हैं और उससे हमें भी एक लाभ है और आपको भी लाभ है। आईसीटी की उपयोगिता को लेकर के या एटीट्यूड टुवार्ड्स आईसीटी, हम वर्तमान समय में आईसीटी को लेकर के, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के कितना अवेयर हैं, उसको लेकर के हमारा दृष्टिकोण क्या है, उनका टूल है, उसका लिंक उन्होंने मुझे शेयर कर दिया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको भर करके ईमानदारी से भरेंगे और भरने के बाद में उसे ऑनलाइन आप सबमिट कर देंगे, उससे जो डेटा निकलेगा उससे हमको और हमारे स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स को आईसीटी की कितनी नॉलेज है और उसकी नॉलेज को हम प्रीवियस नॉलेज मान करके उसको और ज़्यादा एनहेंस कैसे कर पाएंगे। इसी तरीके से
आगे आने वाले समय में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होना है, इसी तरीके से आगे आकर के आपका इंटेलिजेंट टेस्ट होना है, इसी तरीके से आगे आकर के आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, और ये सभी टेस्ट ईपीसी थ्रू के थ्रू होते हैं। तो विश्वविद्यालय का ये मुख्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की कामना करता है, और जैसा सर ने कहा कि जितना ज़्यादा चोट लगेगी उतना ज़्यादा आप निखरेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप निखरने के लिए तैयार हैं। बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट गई, पसीना आया, लेकिन आप विचलित नहीं हुए। इससे ये मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर के एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करेंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अब मैं आज की सभा के समापन के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूँगा कि सभा समाप्त की जाए। सर के आदेश पर सभा समाप्त की जाती है। धन्यवाद। अब आप लोग घर जा सकते हैं। कल से अपने टाइम टेबल के अनुसार आप यहाँ पर आएंगे, जो फॉर्म आपको दिए गए हैं वह कल जमा कर देंगे। आज इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, पूरा करके कल जमा कर देंगे संबंधित शिक्षक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।